हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बैग का बेल्ट किस तरह से बनाते वो बताऊंगी। कुछ दिन पहले मैंने बैग डाली थी, देखिए ये बैग मैंने कुछ दिन पहले डाली थी। इसका जो मिडल वाला बेल्ट है वो मैंने किस तरह से बनाते हैं वो बताया नहीं था। तो बहुत से मेरे व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि ये बेल्ट किस तरह से बनाते हैं वो बताने के लिए। एक्चुअली मैंने ये इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये बेल्ट थोड़ा समझने में मतलब टफ है, तो मैं चाहती थी कि मैं इसका वीडियो अलग से बनाऊं, इसलिए मैंने उस बैग के वीडियो में इस बेल्ट का मैंने मतलब वीडियो नहीं दिखाया है। तो आज मैं इसी बेल्ट का वीडियो आपको बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें चाहिए माइक्रेम। आप जो भी बैग बनाते हो उसी में से जो कलर कॉम्बिनेशन लेते हो उसमें से ही आप कलर ले लीजिए। और मैंने कुछ बीट्स लिए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ये बीट्स लिए, मतलब आप भी यही लीजिए, कुछ कोई भी बीट्स, लेकिन इस लंबे साइज में चाहिए। इस तरह से बीट्स चाहिए हमें। ये वुड के बीट्स है जो मैंने यूज़ किए हैं। आप कोई भी बीट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो लंबे होने चाहिए। और कुछ मैंने इस तरह के बीट्स यूज़ किए हैं, मोटे वाले। आप कोई भी बीट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, बड़े वाले। इतना तो साइज़ इसका चाहिए हैंडल के लिए। और चार रिंग, ये एक इंच की रिंग है। बैग की दुकान में ये मिल जाती है रिंग। और हमेशा की तरह लाइटर, सीजर और मेजर करने के लिए मेजर टेप। यहाँ पे मैंने बीट्स चार लिए हैं, वुड्स के चार रिंग ली है। और ये बीट्स जो है ये मैंने आठ बीट्स यहाँ पे लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक सिंगल कॉर्ड ली है, ये 1.30 सेंटीमीटर की है। अब हम इसमें सबसे पहले रिंग डालेंगे। यहाँ पे मैंने दो रिंग ली है और एक कॉर्ड इसके अंदर डालेंगे इस तरह से। यहाँ से भी कॉर्ड को अंदर डालेंगे। इसके बाद इसमें मैं वाइट बीट्स डाल रही हूँ, बड़ा वाला। उसके बाद ये लंबा वाला बीट्स। इसके बाद ये वाइट वाला और एक बीट्स। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन डाले हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरह से वुड का। और ये अब हम इसे अंदर डालेंगे रिंग के इस साइड में। इस तरह से इसे भी रिंग के अंदर डालेंगे इस तरह से। अब देखिए ये जो हमारी कॉर्ड है इसे हम इसके अंदर डालेंगे बीट्स के। आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। देखिए इस बीट्स के अंदर मैंने डाला, फिर ये बड़ा वाला बीट से इसके अंदर डाल रही हूँ और फिर इस लास्ट बीट्स में। तो इस तरह से मैंने ये कॉर्ड बाहर निकाली है। ठीक उसी तरह से यहाँ से भी पहले बीट्स में, फिर इस वुड के बीट्स में, उसके बाद लास्ट वाले बीट्स में हमें इसी तरह से डालना है। अब
अब हमें बेल्ट की हाइट जो है वो डिसाइड करनी है। आपको जितना बेल्ट लंबा चाहिए या फिर छोटा चाहिए आप मेजर कर लीजिए। मैं यहाँ पे मेरे बेल्ट की जो मेजरमेंट है वो 64 इंच रखूँगी, रेडी 64। तो रेडी 64 रखने के लिए मैं यहाँ पे इस रिंग को भी मेजर करूँगी और उसके अनुसार मैं इसे एडजस्ट कर लूँगी मिडल कॉर्ड से। देखिए मैं यहाँ पे रिंग भी मेजर करूँगी। अभी मेरा जो रेडी बेल्ट है वो 61 है सेंटीमीटर, तो मुझे और 3 सेंटीमीटर बढ़ाना है तो मैं इसे और थोड़ा खींच लूँगी। तो ये बढ़ गया, अभी मैं फिर से इसे काउंट करूँगी। देखिए परफेक्ट 64 आया है। तो ये मेरी बेल्ट की रेडी साइज है। अब मैं इसे कट कर दूंगी। इसे एक कॉर्ड को हम पहले कट कर लेंगे। मैंने एक कॉर्ड कट कर ली। अब दूसरी कॉर्ड जहाँ पे हमने कट किया है उसके सामने ही हम दूसरी कॉर्ड को कट कर लेंगे। अब हम इसे जलाकर यहाँ पे स्टिक कर देंगे। इस तरह से हम इसे जलाकर स्टिक कर देंगे। अभी हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर इसे थोड़ा बर्न करके छोड़ देना है। ये हमने हमारे बेल्ट की हाइट कंफर्म कर ली है। अभी हम इसे एक्स्ट्रा कॉर्ड लगाएंगे और हम डिज़ाइन यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने टोटल इस बेल्ट की जो हाइट है वो 64 सेंटीमीटर तक हमने बना ली है। आपको अगर इसे बड़ा बनाना हो तो आप और थोड़ा बड़ा भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था उस तरह से आप इसे एडजस्ट करके बाद में इसे कट कर सकते हैं। और फिर जॉइन करके मैंने यहाँ बीच बीच में थोड़ा जलाकर इसे लॉक किया है ताकि एक रहे। और अब देखिए यहाँ से हमें कॉर्ड लगानी है। ये जो हमारी कॉर्ड है ये सिंगल 2.5 मीटर की है, 2.5 मीटर की कॉर्ड है। देखिए इस तरह से कॉर्ड हम यहाँ पे लगाएंगे। सेकेंड कॉर्ड इसी साइड में लगाएंगे। हमारे सभी कॉर्ड 2.5 मीटर के हैं। एक बेल्ट के लिए हमें 4 कॉर्ड चाहिए साइड में लगाने के लिए, यहाँ पे 2 और वहाँ इस साइड में 2।
लीजिए ये और एक कॉर्ड। इस तरह से हमें यहाँ पे कॉर्ड लगाने हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे कॉर्ड है वो बहुत लंबे हो गए हैं, तो करते समय दिक्कत आती है, तो हम इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। और यहाँ पे इसे रबर लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से रोल कर लेंगे। ये हमारी मिडल वाली कॉर्ड है जिसमें हमने बिट्स डाले हैं, और ये साइड वाले कॉर्ड है। तो देखिए ये हमारे साइड के चार कॉर्ड हो गए। तो ये जो मेन कॉर्ड है उसके इस साइड का ये फर्स्ट जो कॉर्ड है उसे इस तरह से ऊपर रखेंगे, और इस कॉर्ड को साइड वाले कॉर्ड को हम यहाँ पे रखेंगे। अब ये जो हमारी लास्ट वाली कॉर्ड है इसे इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे, और ये जो हमारे साइड वाली कॉर्ड थी इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और ये हमारी कॉर्ड जो है इसे इसके अंदर से निकालेंगे बाहर, और ये ऊपर वाली जो कॉर्ड है इसे हम इसके अंदर से निकालेंगे। और फिर ये हमारी मिडल वाली जो कॉर्ड है इसे धीरे से बीच में ले लेंगे इस तरह से, और फिर इसे यहाँ पे नॉट लगा देंगे। ये जो हमने नॉट बनाया है इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से। फिर से सेम प्रोसेस, ये ऊपर की तरफ इससे हम यहाँ पे फोर फिगर बनाएंगे, ये नीचे, ये इसके ऊपर, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इसके अंदर। इसके बाद में ये मिडल वाली जो कॉर्ड है इसे ऊपर ले लेंगे, फिर इसे खींच के टाइट कर लेंगे। अगेन ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ये इसके अंदर, ये यहाँ पे, ये इसके ऊपर से, फिर ये इसके अंदर, और ये इसके अंदर। मिडल वाले कॉर्ड को फिर से ऊपर निकाल लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे। से फोर फिगर यहाँ पे, ये इसके ऊपर से, ये इस सर्कल के अंदर, और ये जो ऊपर वाला है इसके अंदर, और मिडल की कॉर्ड को इस तरह से निकाल लेंगे और इसे नॉट लगा देंगे।
ये जो नॉट है इसे टाइट कर लेंगे। फिर से वही प्रोसेस, ये नीचे की तरफ, ये इसके ऊपर, ये नीचे वाला इस राउंड सर्कल के अंदर, और ये ऊपर वाला इस राउंड सर्कल के अंदर, और मिडल वाला इस तरह से बाहर निकालेंगे। अब यहाँ तक होने के बाद पिन हम निकाल देंगे। इसे जरा ठीक से टाइट कर लेंगे, इसे ऊपर की तरह खींच देंगे ताकि ये टाइट हो जाए। देखिए मैंने इसे ऊपर की तरह टाइट कर लिया। अब ये जो हमारे चार कॉर्ड थे जो हमने पिन लगाया था उसे हम कट कर देंगे। आधा आधा इंच छोड़ के इसे कट कर देंगे। तो जो हमने कट कर दिया है उसे हम चलाकर यहाँ पे लॉक कर देंगे। इसे भी यहाँ से थोड़ा टाइट कर लेंगे। इसे काफी बारीक कट करना है। तो यहाँ पे हमने इसे जला के लॉक कर दिया। अब जो हम नॉट लगाते जा रहे थे उसी नॉट को हमें कंटिन्यू करना है।
देखिए ये हमने नॉट यहाँ तक लगाया है, यहाँ पे हम इसे एंड कर देंगे। तो बचे हुए जो कॉर्ड है उसे हम कट कर देंगे जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया है। इसे लाइटर से थोड़ा जलाकर यहाँ पे स्टिक कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से इसकी डिज़ाइन बन के आएगी। तो मैंने यहाँ पे एक बेल्ट बना लिया है, दूसरा हमें सेम इसी तरह से बेल्ट बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा बेल्ट बन के रेडी है। देखिए इसकी ये डिज़ाइन, इस तरह से ये डिज़ाइन आती है। मैंने और एक यहाँ पे बना के रखा है क्योंकि हमें बैग के लिए इस तरह से दो बेल्ट चाहिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो बेल्ट बनाए हैं। तो ये था बैग के बेल्ट का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूले। और इस बेल्ट के बारे में अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और अगर कुछ मेजरमेंट के बारे में इशू हो, डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे मैं इसकी डिटेल मेजरमेंट दे दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।